मैं पन्ना लाल वासकेल मल्टीप्लायर तकनीक से एक किसान भाई के खेत पर आए हुए हैं। उन्होंने मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल अपनी मूंगफली की फसल के ऊपर किया है और हमारे जो सहयोगी मित्र श्री राजेंद्र जी पाटीदार एक किसान से परिचय करते हुए हम मल्टीप्लायर की जानकारी ले रहे हैं कि उनको क्या रिजल्ट मिला है। नमस्कार भैया, मैं राजेंद्र पाटीदार मल्टीप्लायर तकनीक से एक किसान भाई के खेत में आए मूंगफली की फसल में इन्होंने मल्टीप्लायर का कैसा उपयोग करे उन्हीं से जानते और उनका नाम पूछते हैं। भैया आपका नाम क्या है? रमेश वर्मा। कहाँ से हो? बालकुआ से। तहसील? बड़वानी। जिला? बड़वानी। बड़वानी। आपने मूंगफली में कैसे कैसे उपयोग करा? इसका मैंने छिड़काव करा दो बार। दो बार? अच्छा। और जमीन से दिया? जमीन से नहीं दिया। अच्छा, अभी तक नहीं दिया, अब देने वाले? अब देने वाले। और क्या अच्छा लगा अपने को? इसका रिजल्ट हमने बारिश में बैंगन में करा था, अच्छा लगा, फिर मूंगफली में वापस लाया। अच्छा। और आपके भाई के यहाँ और आपके यहाँ एक साथ में बोए थे, आप बोल रहे थे? उसका और इसका बहुत अंतर है। अच्छा, मतलब एक साथ की बुआई करी मगर उसमें एक रोज। अच्छा, तो क्या फर्क है उनके यहाँ? उनके यहाँ छोटे। अच्छा, आपके यहाँ बढ़िया जगह भर ली पूरी? अब यहाँ ग्रोथ भी अच्छी है, ग्रीननेस भी अच्छी है और पूरी तरह से फैलाव भी है। मतलब ये कह सकते हैं कि उनके यहाँ और इनके यहाँ में कम से कम 15 दिन का डिफरेंस है, ऐसा लग रहा है। हाँ, एक दिन की बोई है। एक रोज। अच्छा, आप मल्टीप्लायर से खुश हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। संतोष विठलराव माने, मुक्कामपूर सातारी तालुका उमरखेड जिला यवतमाळ, मल्टीप्लायर सेंद्रीय शेती मार्गदर्शक। मैंने मल्टीप्लायर तंत्रज्ञान से गन्ना लगाया हुआ है। इस गन्ने को पर एकड़ अभी तक 5 किलो मल्टीप्लायर का सप्लाई किया है और रासायनिक खत प्रति एकड़ ही 2 पोते दिया है। तो देखो, मल्टीप्लायर तंत्रज्ञान से ये गन्ना कैसा हरा भरा हुआ है, पत्ते की साइज भी चौड़ी है और फुटवे भी बहुत निकले हुए हैं और हाइट इसको मैंने 28 अक्टूबर को लगाया हुआ है, हाइट भी बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कि आप मल्टीप्लायर तंत्रज्ञान का यूज़ करो और अपनी खेती का उत्पादन बढ़ाओ। मल्टीप्लायर तंत्रज्ञान का वादा, कीड़ों कम, खर्चा कम और उत्पादन ज़्यादा, मल्टीप्लायर किसान खुशहाल किसान, ये मल्टीप्लायर का वादा है। धन्यवाद दोस्तों।